हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर संबंध व फलन स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ परिभाषाओं को जान लेंगे। जैसे क्रमित युग्म, तो जब दो अवयव को एक निश्चित क्रम में रखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त युग्म यानी इस प्रकार जो जोड़ा प्राप्त होता है उसको क्रमित युग्म कहते हैं। जिसमें पहले आने वाले अवयव को प्रथम अवयव या प्रथम घटक या फिर प्रथम निर्देशांक कहते हैं और बाद में आने वाले अवयव को द्वितीय अवयव, द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि एक क्रमित युग्म ए कामा बी है, इसको हम लोग छोटे ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिखते हैं, तो ये क्रमित युग्म है। इसमें जो पहला अवयव है उसको प्रथम अवयव कहेंगे और जो सेकेंड बी है उसको द्वितीय अवयव कहेंगे। और यहाँ पे अगर हम क्रमित युग्मों का क्रम बदल देंगे तो उनका मान भी बदल जाता है। जैसे कि हमारे पास ए कामा बी और बी कामा ए दो क्रमित युग्म हैं, तो दोनों में अवयव तो समान है लेकिन उनका क्रम बदला हुआ है, तो क्रम बदलने की वजह से यहाँ पे मान बदल जाएगा और दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी ए कामा बी बी कामा ए के बराबर नहीं होगा। और अगर हमारे पास दो युग्म हैं ए कामा बी और सी कामा डी, जिनको दिया हुआ है कि ये दोनों समान हैं यानी बराबर हैं, तो अगर ये दोनों क्रमित युग्म समान हैं तो उनके जो प्रथम अवयव होंगे वो आपस में बराबर होंगे और जो द्वितीय अवयव होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रथम अवयव ए और इसका प्रथम अवयव सी आपस में बराबर होगा, यानी ए इज़ इक्वल टू सी और बी इज़ इक्वल टू डी। आगे हम देखते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय फलन। तो दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय ए और बी हमारे पास हैं और ए के अवयव को प्रथम घटक और बी के अवयव को द्वितीय घटक लेकर हम यहाँ पे क्रमित युग्म बनाएं, तो इस तरह से जितने भी क्रमित युग्म प्राप्त होंगे उनका अगर समुच्चय बनाया जाए तो वो समुच्चय ए और बी का कार्तीय फलन कहलाता है। मतलब कि जो ये क्रमित युग्म बना रहे हैं, अगर उसमें से पहला अवयव ए से ले, मतलब ए जो है बिलोंग करे ए से, कैपिटल ए समुच्चय से, और जो दूसरा अवयव स्मॉल बी है वो समुच्चय बी से बिलोंग करे, मतलब पहला अवयव ए से हो और दूसरा अवयव बी से हो, समुच्चय बी से हो। तो इस तरीके से जितने भी क्रमित युग्म प्राप्त होंगे अगर उनका समुच्चय लिया जाए तो उनका समुच्चय ए और बी का कार्तीय फलन कहलाता है, जिसको ए क्रॉस बी से दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी में या बी क्रॉस ए में अवयव समान होते हैं, मतलब ए क्रॉस बी में जितने अवयव होंगे बी क्रॉस ए में भी उतने ही अवयव होते हैं, और ए में अवयव की संख्या और बी में अवयव की संख्या के गुणनफल के बराबर होते हैं। यानी ये एन जो है अवयव की संख्या दिखा रहा है, तो ए गुणे बी में जितने अवयव होंगे, मतलब ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या ये बराबर होगी ए के अवयव की संख्या गुणे बी के अवयव की संख्या, या फिर हम बी गुणे ए में अवयव की संख्या देखें तो ये भी उसी के बराबर होगी, यानी ए में अवयव की संख्या गुणे बी में अवयव की संख्या। तो इस तरीके से हम कह दे सकते हैं कि ए में अवयव की संख्या और एक गुणे बी में, ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या और बी क्रॉस ए में अवयव की संख्या समान होती है। अब हम प्रश्नावली 2.a सॉल्व करते हैं। तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट दिया हुआ है एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू सेवन कामा वन, यहाँ पे एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर दिए हुए हैं, तो इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के बराबर होगा और इसका दूसरा अवयव इसके दूसरे अवयव के बराबर होगा, यानी एक्स प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा सेवन के और एक्स माइनस टू वाई ये बराबर हो जाएगा वन के। हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटा देंगे। तो घटाने पे इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा और इसका प्लस, तो इसके बाद ये कट जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा, थ्री वाई आ जाएगा, और इधर भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा सिक्स, यानी y की वैल्यू आ जाएगी टू आ गई, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई। अब हम इन दोनों समीकरण में से किसी एक में y का मान रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर हम पहले समीकरण में रख रहे हैं, इसको समीकरण एक दे रहे हैं, इसको समीकरण दो, तो हम समीकरण एक में जब मान रखते हैं तो समीकरण एक में x प्लस वाई का मान दो रख दिया बराबर सेवन, या उसको उधर ले जाएंगे हो जाएगा फाइव, यानी x का मान फाइव आ गया
और वाई का मान 2, यानी आंसर हो जाएगा एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 2। अगला हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो ए का मान दिए, एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, और बी एक समुच्चय है जिसमें अवयव दिए हैं इस तरीके से कि एक्स, जहाँ एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है एन से, यानी एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स 5 से कम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से उसके अवयव के रूप में लिख लेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक ही अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, और बी के अवयव देख रहे हैं। तो बी के अवयव हमें लिखना है 5 से कम अभाज्य संख्या, तो 5 से कम अभाज्य संख्या 1 है, 2 है और 3 है, 4 तो भाज्य है और 5 को लेना नहीं है, 5 से कम ही लेना है। तो यानी हमारी बी ये हो गया। अब हमें एक गुण ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले ए का एक अवयव लेते हैं और उस अवयव को बी के सभी अवयव के साथ बारी बारी लेते हैं, मतलब ए को पहले इसके साथ लेंगे, फिर एक को इसके साथ लेंगे, फिर एक को इस 2 के साथ, फिर एक को 3 के साथ लेंगे, इसके बाद फिर 2 को 1 के साथ लेंगे, 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, इसी तरीके से 3 को भी बारी बारी सबके साथ और 4 को भी बारी बारी सबके साथ लेंगे। तो हम मान लिखते हैं अब एक क्रॉस बी का, एक क्रॉस बी में अवयव जो होंगे वो पहले एक को हम एक के साथ लेंगे तो एक का मां एक हो जाएगा, फिर एक को 2 के साथ तो एक का मां 2, फिर एक को 3 के साथ तो एक का मां 3 हो जाएगा, फिर हम 2 को 1 के साथ ले रहे हैं 2 का मां 1 हो जाएगा, 2 को 1 के साथ लिए, फिर 2 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, तो 2 को 2 के साथ लिए 2 का मां 2, फिर 2 को 3 के साथ 2 का मां 3 हो गया। अब हम 3 को लेंगे, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ और 3 को 3 के साथ, यानी हो जाएगा 3 का मां 1, 3 का मां 2 और 3 का मां 3। अब हम 4 को लेंगे, 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ और 4 को 3 के साथ, तो हो जाएगा 4 का मां 1, 4 का मां 2 और 4 का मां 3। तो इस तरीके से ये हमारा ए क्रॉस बी का मान ज्ञात हो गया। अब हमें जब बी क्रॉस ए का मान ज्ञात करना होगा तो इन सारे क्रमित युग्म को उल्टा लिख देंगे, यानी आगे वाले को पहले, मतलब पीछे वाले को आगे और आगे वाले को बाद में। तो 1, 1 इसका हो जाएगा 2, 1 इसका हो जाएगा 3, 1, इसी तरह करके हम सारे क्रमित युग्मों को उल्टे क्रम में लिख के बी क्रॉस ए का मान ज्ञात कर लेंगे।